अब आपको पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तीन और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली खबर संभल की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, औरैया की तस्वीर है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक आरोपी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी, और आपको बता दें कि एक आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। तीसरी तस्वीर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके में गौकशों से जुड़ी हुई है, जहां पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो गौकशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इधर फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करके ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के मुताबिक युवती अहमदाबाद से मौसी की लड़की में शामिल होने आई थी। सिकंदर नाम के युवक ने सोनू बनकर उससे दोस्ती की और जब वो शादी में आई तो उसे गेस्ट हाउस से बुलाकर 500 मीटर की दूरी ले जाकर खंडर में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इधर युवती को डॉक्टरों ने हालत के लिए रेफर कर दिया, जहां उसने दम तोड़ दिया। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिनती गई थी, वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था। लड़की का ट्रेवल्स बस की बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में लोग मिलते हैं, वहाँ पर दुष्कर्म की घटना खारिज करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज जब्त हो गई है, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा, समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। और अब खबर मेरठ से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली लगी, पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर लूटपाट का आरोप भी है। सरधना और जानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ये बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से। एनकाउंटर में दो अपराधियों को ढेर किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों पर कई जो मामले हैं वो दर्ज थे। मेरठ में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एनकाउंटर में दो अपराधियों को गोली लगी है और पुलिस ने तीन बदमाशों को मौके से गिरफ्तार भी किया है। सरधना और जानी पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई। गिरफ्तार अपराधियों पर लूटपाट का आरोप है और कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है और तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मेरठ में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ, जिसके बाद तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एनकाउंटर के बाद तीन अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर लूटपाट का आरोप है। कई मामले इन पर दर्ज थे। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ आज हुई। ये कल जानी क्षेत्र में एक बाजार के लूट हुई थी, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी और उसी गिरफ्तारी के दौरान ये उसके पूर्व भी एक सरधना क्षेत्र से आल्टो कार लूटी गई थी, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जो आल्टो कार आती हुई दिखाई पड़ी,
उसको रोका गया। रोकते के समय वो सतवाई की तरफ मुड़ गए और वहाँ से ये भागने लगे। भागने के दौरान फिर इन पे बल प्रयोग किया गया तो इसमें दो बदमाश घायल हुए, जो सागर और राहुल नाम के बदमाश हैं। ये एक दिल्ली का रहने वाला, एक प्रतापपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से सरदना में लूटी गई मारुति आल्टो कार और तमंचे बरामद हुए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। बेकाबू होकर नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर अचानक से तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस तरीके से देखिए, अनियंत्रित होकर अचानक से जो ये कार थी ये नाले में जा गिरी। 5 लोग इसमें सवार थे, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। श्रावस्ती में लकड़ी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां बेटी को रौंद दिया। मां बेटी की हालत नाजुक, स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बाइक पर सवार होकर मां बेटे रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे और मां बेटी की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। घटना इनका कोतवाली इलाके के पटना खरगोरा गांव के पास हुई। आगे बढ़ेंगे, अब आपको जगह जगह हादसों की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहली तस्वीर जालौन से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक में फंसने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर एलिवेटेड रोड पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। जबकि तीसरी जो तस्वीर है फिरोजाबाद से है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बहराइच में सरयू नदी में डूब रही महिला को युवकों ने बचाया। घास काट रही महिला की पैर फिसलने से हादसा हो गया। महिला के डूबने से वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। सजौली थाना क्षेत्र के सरयू नदी की घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला घास काट रही थी और अचानक से पैर फिसलने से नदी में डूब गई, जिसके बाद जो आसपास मौजूद लोग थे उन्होंने महिला को बचाया। तो विश्व योग दिवस की धूम विदेशों में भी देखने को मिली। यूएई की शारजा में भी योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां लोगों ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय वाणिज्य दूतावास से महावाणिज्य दूत सुनील कुमार भी मौजूद रहे। तो विदेशों में भी योग की धूम देखने को मिल रही है। शारजा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। कि हम भारत के लोग से बात नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी खून पसीना को एक कर देते हैं मानवता के रक्षा के लिए। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन और आरती की। इसके बाद सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी जगतपुर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, यहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जनसभा को भी संबोधित किया और काल भैरव मंदिर भी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की और उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये दो तस्वीरें आपके सामने, काल भैरव मंदिर में आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान पुजारियों की तरफ से विशेष पूजन अर्चन उन्हें करवाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। जब भी वाराणसी के दौरे पर रहते हैं, हमेशा कोशिश रहती है कि बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे और विशेष पूजन अर्चन करें। तो ये दौरा
जिसमें कई कार्यक्रमों को संबोधित भी उन्होंने किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।